हेलो एंड वेलकम गाइज आप सभी का स्वागत है क्लास ट्वेंटी फोर एस एस सी जाम यूट्यूब चैनल पे तो आप सब कैसे हैं फटाफट एक बार जल्दी से बता दें कि सर मैं ठीक हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है बिल्कुल हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी को बहुत सारा प्यार बहुत सारा नमस्कार ठीक है ना फटा फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से शानदार तरीके से ठीक है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये क्लास आपकी चलने वाली है ठीक है ना ठीक है फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट तरीके से चलिएगा बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास को

बच्चे ने भी ब्रह्मास्त्र बैच को परचेज नहीं किया है वो क्या कर सकता है ब्रह्मास्त्र को परचेज कर सकता है ठीक है भाई चलिएगा क्लियर है कि नहीं ये इसके फीचर्स हैं डाउट सपोर्ट है प्रिंट्रेबल नोट्स है अपडेटेड कंटेंट है डिजिट बागल क्लास है डिटेल एक्सप्लेनेशन है टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट है सस्सी पी वाई क्यू है और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है ठीक है भाई चलिएगा कहाँ पे जाना आपको क्लास ट्वेंटी फोर की ऐप पे जाना है वहाँ से ब्रह्मास्त्र कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपको परचेज कर लेना इसी के साथ साथ एक आपके लिए टेस्ट सीरीज और है देखो टेस्ट सीरीज भी आप क्या कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए ठीक है ना तो मैंने कहा एस एस सी सी जी एल टेस्ट सीरीज ये है ठीक है ना ये अस्सी आपके क्या है मॉक टेस्ट है जिसमें चालीस जो मॉक टेस्ट रहेंगे बेस्ट बेस्ट एंड लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से रहेंगे जो अभी एस एस ने पैटर्न बदला है और चालीस आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही रहेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है सेवेंटी टू एट्टी परसेंट वहीं से आ जाती है मैथ कहाँ पे जाना वही प्रक्रिया करना है क्लास ट्वेंटी फोर ऐप पे जाना है एस एस सी कैटेगरी कर सेलेक्ट करना है मात्र फोर ट्रिपल नाइन में ये आपकी क्या है कंप्लीट है ठीक है भाई चलिएगा स्टार्ट करें भैया बिना किसी देरी से आज हमने कहा था कि आज हम हम आपसे क्या लेंगे आज हम आपका लेंगे टेस्ट क्या लेंगे आज हम लेंगे टेस्ट और सीजीएल मेंस का सवाल है दोस्त 2019 का सवाल है क्या कह रहा राघो स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इनक्रीज बाय 12% इन सेविंग्स इज डिक्रीज़ बाय 10% देन बाय व्हाट परसेंट सेंट विल द एक्सपेंडिचर इंक्रीज कह रहा राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में दस परसेंट की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी फटाफट बताओ बेटा आंसर क्या जाएगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सभी को ठीक है ना आइएगा अब मैंने कहा देखो ऐसा प्रश्न करने के लिए तो बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे इधर लिखेंगे क्या इनकम क्या लिखेंगे इनकम लिखेंगे इधर एक्सपेंडिचर लिखेंगे इधर सेविंग से लिखेंगे बहुत सही बात करते हो आप कहोगे इनकम उसके पास हंड्रेड परसेंट होगी एक्सपेंडिचर वो एट्टी परसेंट कर रहा तो सेविंग करेगा बीस परसेंट हमने माना कि आप ये अप्रोच लगा दोगे सवाल में हमने माना कि आप ये वाला अप्रोच लगा दोगे ठीक है ना हमने माना कि आप ये वाला अप्रोच लगा दोगे अगर मैं एट्टी की जगह दे देता टू बाई थ्री परसेंट कह देता सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट या मैं यहाँ पे दे देता फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट क्या दे देता फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट तो आपका ये अप्रोच खत्म हो जाता अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में दे देता तो आपका अप्रोच यहाँ पे खत्म हो जाता फिर आप अप्रोच ये, ये नहीं लगा पाते ठीक है 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 भाई चलेगा तो मैंने मैंने कहा कहा इस अप्रोच को लगाने से कोई मतलब मतलब नहीं बनता है। जरा आओ मैंने कहा, 80 का का मतलब क्या होता है? आप सभी प्रश्न आएगा सर फोर बाई फाइव होता है क्या होता है फोर बाई फाइव होता है समझिएगा बात को मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू क्या होती है फिक्स वैल्यू होती है क्या होती है भाई फिक्स वैल्यू होती है बोलो हमने कहा नीचे वाली फिक्स वैल्यू होती है अगर मैं बात करूं आप में इनकम फिक्स होती है कि एक्सपेंडिचर फिक्स होता है कि सेविंग्स फिक्स होता है तो शायद सभी का जवाब आएगा कि हमारी इनकम फिक्स होती है तो मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू जो फिक्स है वो क्या है तुम्हारी आय है इनकम है अच्छा खर्च कर रहा है यानी कितना चार एक्सपेंडिचर कर रहा है क्या कर रहा है चार एक्सपेंडिचर अब हमारा प्रश्न बन गया अगर तुम्हारी पांच इनकम है चार एक्सपेंडिचर है तो सेविंग क्या होगा आप कहोगे एक रुपये होगा क्या कहोगे आप एक रुपये होगा ठीक है ना कह रहा ये दूसरी आय में 12 परसेंट की वृद्धि हो जाए हमने कहा देखो आय में 12 परसेंट की वृद्धि हो गई तो आय कितनी हो गई 60 परसेंट हो गई कह रहा कि और बचत में 10 परसेंट की कमी हो जाए तो मैंने कहा माइनस 10 परसेंट की कमी हो गई तो कितनी हो गई बोलो आप कहोगे माइनस 10 परसेंट की क्या कमी हो गई अब एक बात समझना जरा उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी आएगी तो मैंने कहा देखो साठ माइनस दस करोगे अब बहुत बच्चे यहाँ पे मल्टी पर, एडिशन कर सॉरी सब्ट्रैक्शन सौर, करने में क्या करेंगे गड़बड़ कर देंगे यहाँ घटाने में क्या करेंगे गड़बड़ कर देंगे हमने कहा यही तो नहीं करना है साठ में से जब तुम माइनस घटाओगे तो क्या आ जाएगा सत्तर आ जाएगा क्या आ जाएगा सत्तर ये किसकी वैल्यू है

वैल्यू में दिया हो सभी के सभी आपके आंसर आ जाएंगे ठीक है भाई चलिएगा अगले प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट क्या जाएगा कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या की पावर इक्यासी और सात की पावर, पावर तिरासी को पूर्तियां विभाजित कर देगी ये आपका सीचसल 2020 का सवाल है फटाफट बताओ बेटा क्या आ जाएगा जल्दी से द फॉलोइंग नंबर बिल एक्सट्री की पावर एट्टी थ्री जल्दी से बताओ फटाफट क्या आ जाएगा फटाफट बताओ क्या आ जाएगा देखो कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या तो मैंने कहा अगर ये लिखा है सेवन की पावर एट्टी वन प्लस सेवन की पावर एट्टी टू और प्लस सेवन की पावर एट्टी थ्री अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से सेवन की पावर एट्टी वन कॉमन ले ले तो क्या बचेगा इधर वन बचेगा इधर सेवन बचेगा और इधर सेवन की स्क्वायर बचेगा यही तो बचेगा अरे बोलो भाई तो मैंने कहा देखो सेवन की पावर एट्टी वन हमने ले लिया अब बचा क्या वन प्लस सेवन प्लस क्या बचा बचा तो मैंने कहा देखो जरा इधर सेवन की पावर एट्टी वन कॉमन है इधर अंदर क्या आया उनचास सात छप्पन है क्या सत्तावन यानी अब ऐसी तो कोई संख्या नजर आ नहीं रही हमें ऐसी तो कोई क्योंकि ये सारी संख्याएं कैसी है बड़ी है ये सारी वैल्यू कैसी है बड़ी है तो आपका एक प्रश्न बनेगा क्या कि सर अगर हम इसमें से सेवन की पावर एट्टी इंटू सेवन इंटू फिफ्टी सेवन कर ले तो दिख रहा है कि इस साथ उनचास की नौ कैरी कितना चार सात पंचे पैंतीस चार उनतालीस यानी तीन सौ निन्यानवे ऐसी संख्या है जो इस पूरी संख्या को डिविजिबल कर देगा बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है फटाफट बताओ कमेंट करके क्लियर है कि नहीं क्लियर है बहुत ही बढ़िया जबरदस्त जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या जाएगा

किस पे देखना होता है किस पे सोचना होता जो हमारा रिमाइंडर बचता है हमें उस पर डिपेंड होना होता है ऊपर चाहे कितने से भी विभाजित करने के लिए बोले कुछ भी बोले हमें नहीं मतलब जो हमारा शेष रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा आप सभी का आंसर आएगा हमारा रिमाइंडर जो बचा है वो बचा है नाइन क्या बचा रिमाइंडर नाइन बचा है क्या बचा है, बचा है तो मैंने कहा आप कह रहा है कि यदि इसी संख्या को वर्ग को तो मैंने कहा नौ इक्यासी और जब आप इक्यासी को चौदह से डिविजिबल करोगे तो चौदह पंचे सत्तर रिमाइंडर क्या आ जाएगा अगेन ग्यारह इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा ग्यारह इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा ग्यारह विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ठीक है भाई बोलो चलिए फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा कह रहा है कि एन ऑयल टिन इज फोर बाई फाइव फुल वेन सिक्स बोतल ऑफ ऑयल आर टेकिन आउट एंड फोर बोतल ऑफ ऑयल आर पिरोड इट इज थ्री बाई फोर फुल देन हाउ मैनी बोटल्स आर ऑयल कैन बी फिल्ड इन द टिन कह रहा है एक तेल का टिन में चार बटे पांच भरा हुआ है जब छह बोतल तेल निकाल लिया जाता है और चार बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह तीन बटे चार भरी हुई है तो टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या जाएगा जल्दी से ठीक है ना फटाफट बताओ इसका आंसर क्या जाएगा है कि एक तेल का टिन जो चार बटे पांच भरा हुआ अब यहाँ पे ऐसी कोई हमें वैल्यू ज्ञात नहीं है ऐसी क्यों हम कोई हमें वैल्यू पता नहीं है जिसको हम कर सकें लेकिन एक वैल्यू हमें पता है क्या अगर हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो बात बन जाएगी तो मैंने कहा देखो चार बटे पाँच का भरा मतलब कितना भरा परसेंटेज में आप कहोगे सर सौ का मल्टीप्लाई करा दो हमने कहा पाँच से काटा बीस बीस चौको अस्सी भरा क्या हमने क्या किया एट्टी टैंक क्या है फुल है ठीक है कह रहा है जब छह बोतल निकाल लिया जाता है मैंने कहा ठीक है इससे छह क्या कर दिया गया निगेटिव कर दिया गया और चार बोतल डाल दिया गया तो मैंने कहा चार बोतल डाल दिया गया तो कह रहा तब ये टाइम कितना तीन बटे चार भरी हुई है तो मैंने कहा फिर से इसको बनाना है प्रतिशत में तीन बटे चार का मतलब क्या होता चार से काटा पच्चीस पच्चीस पचहत्तर परसेंट कितना होता है पचहत्तर परसेंट एक बात बताओ एक बात बताना पहले जब 80 फुल था तो छह बोतल निकाल लिया गया फिर जब 75 फुल था तो चाल डाल दिया गया मैंने कहा जो जो डाला और निकाला गया तो आप कहोगे 80 से 75 का पांच परसेंट का डिफरेंस कितना है आप कहोगे दो का भाई छह निकाला गया चार डाला गया तो डिफरेंस कितने का है दो का तो है मैंने कहा आपको बनाना है सौ तो बीस का गुणा यहाँ कर दिया सौ परसेंट इधर से बन गया और बीस का गुणा यहाँ कर दिया तो सौ चालीस इधर बन गया यानी कितना बोतल हो 40 बोतल होगा? The right -फट -फट सारे सारे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का आंसर द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है दो बटे आठ तीन बटे पांच आठ बटे ग्यारह ठीक है ना और ग्यारह बटे सत्रह फटाफट बताओ इसका आंसर क्या जाएगा अब देखो आप, लो, आप लोग आप लोगों की प्रवृत्ति क्या है आप लोग कैसे कराएंगे आप लोगों को पता है आप लोग कैसे कराएंगे आप दो बटे आठ लिख देंगे तीन बटे पांच लिख देंगे आठ बटे ग्यारह लिख देंगे और ग्यारह बटे सत्रह लिख देंगे मैंने कहा इस तरीके से नहीं कराना आप क्या कराओगे दो में आठ का डिवाइड करोगे तीन में पांच को डिवाइड करोगे आठ में ग्यारह करोगे हमने कहा इस बेसिक से बहुत लंबा चला जाएगा मैंने कहा देखो एक अप्रोच बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच है आ, ऐसा अप्रोच आपने देखा नहीं होगा जाओ देखो मैंने कहा जरा मैं अगर कर बात करूं क्या कि ये लिखा है दो बटे आठ कौमा तीन बटे कौमा आठ बटे ग्यारह और कौमा ग्यारह बटे सत्रह अगर मैं बात करूं आपसे क्या कि दो और आठ के बीच का डिफरेंस क्या है तो आपका जवाब आएगा कि सर दो बटे छह कॉमा तीन और पांच के बीच का डिफरेंस क्या है तो आपका जवाब आएगा तीन बटे दो कॉमा आठ और ग्यारह के बीच का डिफरेंस क्या तो आपका जवाब आएगा आठ बटे तीन ग्यारह और सत्रह के बीच में डिफरेंस क्या तो आपका आएगा जवाब ग्यारह बटे यही होगा ना यही आएगा ना मैंने कहा देखो डिफरेंस को बराबर कर लो तो मैंने कहा देखो डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या कराते यहाँ आर ले डी छह है तो यहाँ तीन का गुणा करा दो यहाँ भी तीन का गुणा करा दो यहाँ दो का गुणा करा दो यहाँ दो का गुणा करा दो अब आपसे पूछा जाए कि दो बटे छह कौमा नौ बटे छह कौमा सोलह बटे छह और कौमा ग्यारह बटे छह हर कैसा है डिनोमिनेटर दि, कैसा है बराबर है अंश क्या है ये दो नौ सोलह बोला गया सबसे बड़ी भिन्न तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है सोलह बटे छह तो आंसर क्या आ गया आठ बटे ग्यारह मजा आया कि नहीं है बताओ डी वाले कहां चले कहा अरे भाई डी वाले चले गए ये डी वाले तुक्का लगा रहे थे कहा चले गए भाई जल्दी से बताओ ये डी वाले कहा चले गए भैया बताओ भाई ये डी वाले कहा चले गए भाई बोलो 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 ये डी वाले कहां चलेगा ऐसे नहीं काम चलेगा भाई चलेगा फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या जाएगा कह रहा कि हु इज द एल्डेस्ट अमाउंट इनमें सबसे बड़ा कौन सा है अंडर रूट नौ की पावर होल क्यू अंडर रूट थ्री अंडर रूट सोलह पावर 4 या अंडर रूट अस्सी की पावर छह फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या जाएगा फटाफट तरीके से फटाफट तरीके से बताओ इसका आंसर क्या जाएगा अब मैंने कहा देखो तुमसे पूछा तो तुम मैंने कहा क्या हम इसको लिख सकते नौ की पावर एक बटे तीन आपको हो बिल्कुल क्या हम इसको लिख सकते हैं nice तीन की पावर एक बटे दो आपको हो बिल्कुल क्या मैं इसको लिख सकता हूं सोलह की पावर एक बटे चार आपको हो बिल्कुल मैंने क्या कहा मैं लिख सकता हूँ अस्सी की पावर एक बटे आप कहोगे बिल्कुल मैंने कहा जो पावर है, है. है उनका क्या लेना है एल्सियम लेना है जो पावर है उनका क्या लेना है एलसीएम लेना है तो मैंने कहा एक बटे तीन एक बटे दो एक बटे चार एक बटे छह का लासा क्या हुआ आप कहोगे बारह मैंने कहा बारह गुणा यहाँ करा दो बारह गुणा यहाँ करा दो बारह गुणा यहाँ करा दो और बारह गुणा यहाँ करा दो एक बात समझना जब मैंने कहा बारह गुणा कराया तो तीचो को बारह यानी नौ की पावर चार तो यानी ये क्या हो जाएगा इक्यासी का स्क्वायर हो जाएगा भाई नौ की पावर चार का मतलब नौ नीम इक्यासी इक्यासी भाई नौ की पावर चार का मतलब देखो नौ नीम इक्यासी इक्यासी नीमा सात सौ उन्तीस और सात सौ उन्तीस इंटू नौ फिर कराएंगे नौ निम इक्यासी की एक करिए कितना आठ नौ नौ अठारह आठ छब्बीस नौ सत्तर तिरसठ और दो पैंसठ ये आएगा कुछ है ना तो मैंने कहा नौ इक्यासी की पावर दो ही लिख देते हैं डायरेक्ट इधर दो से काटा तो तीन की पावर क्या आ गया छह इससे कोई मतलब नहीं है इधर काटा तो सोलह की पावर क्या आ गया तीन इससे कोई मतलब नहीं है इधर काटा तो अस्सी की पावर क्या आ गया दो इससे कोई मतलब नहीं अब कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि हमें कंपेरिजन करना है बड़ी वैल्यू की तो हमने कहा यह होता है पैंसठ इकसठ और ये होता है चौसठ सौ तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी पैंसठ इकसठ और पैंसठ इकसठ का मान क्या है नौ की पावर अंडर टू थ्री ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन मजा आ रहा है ऐसे प्रश्नों में बताओ जिन प्रश्नों में आपको परेशानी दिक्कत समस्या होती थी वो प्रश्न अब आपको आसानी से सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे बताओ फटाफट अरे बताओ भाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं फटाफट बताओ कमेंट करके ठीक है दोस्त बताइएगा चलिएगा इस प्रश्न का आंसर फटाफट दो क्या जाएगा देखो मेंस में चूरन वाला सवाल रखा है अलजेब्रा का कह रहा कि इफ एक्स प्लस एक्स है तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए अब हमारा बच्चा होगा क्या कह देगा क्या कह देगा ठीक ग्रेटर हमारा बच्चा होगा वो डायरेक्ट लगा देगा क्या वो कहेगा सर इसका आंसर तो 18 आएगा। जो हमारा भैया तो आएगा? आएगा। में सात लिखा है क्या लिखा है में क्या लिखा सात लिखा एक बात समझना एक बात बताना हमको निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान निकालना है क्या निकालना है एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स हमारा निकालना है मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे प्लस दो अपने आप से जोड़ दूं और प्लस दो यहाँ पे जोड़ दूं बात तो वही लिखी प्लस दो से प्लस दो खत्म बात तो वही लिखी है तो मैंने कहा ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या स्क् एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा तीन का होल स्क्वायर ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि जब तक हमें x प्लस वन अप एक्स का वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो मैंने कहा देखो ये बन गया क्या x प्लस वन अप एक्स

तो मैंने कहा देखो आपका फर्स्ट नंबर कितना दिया गया 130 सेकंड नंबर आपको बताना है बराबर ठीक है ना एचसीएफ <coughs> आपका 26 दिया गया एलसीएम आपको दिया गया 1820 ठीक है दोस्त तो मैंने कहा देखो 26 5 130 होता है पांच से काटेंगे तो सेकंड नंबर आपका क्या निकल के जाएगा पांच 3 15 3 हुआ 5 6 30 5 4 20 364 जूर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा 364 जूर करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्लियर है भाई चलिएगा फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा कह रहा कि एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है क्या कह रहा एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है उसका वास्तविक लाभ क्या होगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बताइएगा फटाफट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी और क्लास को शेयर भी कर दो एक बार दबा के। जल्दी से जबरदस्त तरीके से क्लास को क्या करो भैया शेयर कर दो व्यापारी को विक्रय मूल का बीस परसेंट लाभ होता है अब मैंने कहा देखो बीस परसेंट का मतलब क्या हुआ हुआ और ये बिक्रे मूल पर हो तो मैंने कहा देखो सेलिंग प्राइस क्या है पांच है एक का क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा तो जो कॉस्ट प्राइस होगा आपका कितना होगा चार होगा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा चार होगा अब एक का प्रॉफिट किस पे चार पे एक बटे चार इन क्या हंड्रेड तो यानी ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में रखा हुआ है जो कि आपका सी ऑप्शन में रखा हुआ है क्लियर है भाई चलिएगा फटाफट बता दीजिएगा इसका आंसर क्या जाएगा सीचएसएल 2020 का सवाल करा ए व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 12 ईयर करा कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी बताइए बताइएगा फटाफट करा कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी बताइएगा भाई फटाफट बताइएगा जाओ कोई राश मैंने कहा प्रिंसिपल तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना तुमने बढ़ा दिया एक और जो ये एक रुपए तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने बारह वर्षो परसेंट निकालने के लिए सौ का गुणा करा दो चार से काट दिया पच्चीस चार से काट दिया तीन पच्चीस बटे तीन का मतलब होता है आठ सा ही एक बटे तीन परसेंट क्या होता है आठ सही एक बटे तीन परसेंट होता है अरे बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है चलिएगा फटाफट इसका आंसर बताइए क्या जाएगा करा चकवदी ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए अब देखो बहुत ही जबरदस्त सवाल है क्रमशः चार परसेंट और पांच परसेंट वार्षिक है तो ज्ञात करो दो वर्ष का मिश्र धन कितना होगा यदि मूलधन पच्चीस हजार है बताइएगा फटाफट अब मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है चार परसेंट का मतलब क्या हुआ एक बटे पच्चीस हुआ यानी पच्चीस रुपए वाली चीज पे एक का डिस्काउंट हो गया तो चौबीस हो गया फिर कह रहा कि पांच परसेंट तो मैंने कहा पांच परसेंट का 5 मतलब क्या हुआ एक बटे बीस हुआ यानी बीस रुपए वाली चीज पे एक का डिस्काउंट हो गया तो उन्नीस हो गया मैंने कहा अगर मैं बात करू क्या कह रहा मूलधन तुम अगर मैं मूलधन की बात करूं ये प्रिंसिपल है ये क्या है अमाउंट है तो मैंने कहा ये तुम्हारा मूलधन पच्चीस दूनी पचास 50, पांच सौ हो गया अगर मैं इसकी बात करूं तो उन्नीस सौ छिहत्तर की छह कैरी कितना सात उन्नीस अड़तीस सात पैंतालीस चार छप्पन हो गया जबकि आपका प्रिंसिपल दिया कितने तो का ये कितने गुना है कोरिया का का बच्चा कहेगा सर ये पचास गुना क्यों भाई पचास गुना तो होगा तो मैंने कहा इसका भी मुझे क्या करना पचास गुना निकाल देना है भाई अमाउंट निकल आएगा पांच छातीस को जीरो कैरी कितना तीन पचम पच्चीस तीन अट्ठाईस पांच सौ को बीस दो बाईस बाईस हजार आठ सौ है कोई विकल्प में

की छह अड़तीस सात पैतालीस तो होगा क्यों भाई सत्ताईस तीस जीरो पचम पच्चीस तीन अट्ठाईस और पांच को बीस दो बाईस यार मेरा तो बाईस हजार आठ सौ आ रहा है मल्टीप्लाई की गलती है क्या क्यों भाई मल्टीप्लाई की गलती है क्या भाई बोलो हो हो सॉरी देखो अब यहां पे यार इन्होंने पता क्या द रेट ऑफ सक्सेसिव अब देखो गलतियां कहां पे हैं अब यहां पे इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए है ना इनको लिखना चाहिए सक, यहां पे नीचे भी ठीक है भाई ठीक है तो मैंने कहा देखो 25 से 26 हो गया और 20 से 21 हो गया ठीक है तो इधर कितना हो गया 500 इधर हो गया इक्कीस छब्बीस एक छब्बीस की छह कैरी कितना दो छब्बीस गुना बावन दो चौवन ठीक है ना तो ये ये कितने गुना है पचास गुना है ये क्या हो गया पच्चीस हजार तो ये भी पचास गुना होगा तो मैंने कहा देखो पांच तीस पांच छको बीस तीन तेईस पचम पच्चीस तीन सत्ताइस हजार तीन सौ इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ठीक है ना सत्ताईस हजार तीन सौ इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन वहां सक्सेसिव लिखा यहां तो उत्तर उत्तर कोई बात नहीं ठीक है भाई चलिए फटाफट बताओ इसका आंसर क्या जाएगा मेन्स का सवाल है ये सीजीएल मेन्स का सवाल है कह रहा रुपये चालीस प्रति के जी वाली कीमत चीनी को रुपये अड़तालीस रुपये प्रति के जी वाली कीमत चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए चाहिए ताकि मिश्रण को चौवन रुपये प्रति किलो के जी से बेचने पर बीस परसेंट का लाभ हो बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या आ जाएगा और ये आपका देखो दिखा दू दिखा भी दू मैं ये आपका मेन्स का सवाल है ठीक है दोस्त आपको दिख भी रहा होगा ये आपका मेन्स का सवाल है बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या जाएगा बताइए फटाफट इसका आंसर क्या जाएगा अब देखो यहाँ पे एक समस्या आती है यानी पहली जो आपकी मात्रा दी वो कितनी है 40 केजी है दूसरी मात्रा कितनी है 48 केजी है कह रहा है कि जब रुपए में बेचा जाए तो 20% का लाभ हो तो मैंने कहा गुरुजी प्रश्न का, गुरु का पकड़ने तरीका देखो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5 हुआ अरे भाई क्या हुआ एक बटे पांच यानी पांच वाली चीज एक तो चौवन तो एक बराबर क्या दिया? नौ, तो नौ पंचे पैंतालीस रेशियो पांच के अनुपात में होना चाहिए ए जो इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ फटाफट मजा आया कि नहीं आया बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ जल्दी से बताओ कमेंट करके छापो भैया क्लियर करो बोलो भाई फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये पता नहीं इन्होंने क्या ये लिख दिया है यार ये भी पता नहीं क्या चलो इसका आंसर बताओ फटाफट क्या आ जाएगा फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा कह रहा कि ए इज ट्वाइस ए एफिशिए एज आर इन टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क ऑफ 22 डेज इन इन हाउ मेनी डेज विल अलॉन कंप्लीट द सेम वर्क कह रहा ए बी से

ठीक है ठीक है ना तो मैंने कहा ए बी से दो गुना कारदक्ष है तो मतलब ये बी ए है तो ए कितना है दो होगा बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर यहां तक बोलो फिर कह रहा वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को बाईस दिन में करते हैं तो मैंने कहा एक बात बताओ जरा ठीक है ना दिन में करते हैं तो मैंने कहा देखो, यहां से एक दिन में कर रहा, दो, दो बराबर कितना हो गया तैतीस इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा तेतीस इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ठीक है ना भाई इसको दूसरे मैथड से भी करा सकते क्या करा सकते देखो भाई दूसरे मेथड से भी करा सकते प्रश्न क्या कह रहा है देखो ऐसे करा सकते कि ए बी से दो गुना कार दक्ष हुए दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को बाईस दिन में करते हैं तो मैंने कहा भैया देखो बाईस दिन में कर दिया ठीक है ना कह रहा दोनों मिल गए ठीक है ये दो एक कितना हो गया तीन तो कह रहा ए तो हमने कहा ए से भाग लगा दिया तब भी ग्यारह क्या आ गया तैतीस ही जोर करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन ठीक है ना तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं मिलते हैं कल सुबह साढ़े दस बजे एक नए सेशन में शाम को आठ बजे तब तक के लिए खुश रहें मस्त रहें अपना ख्याल रखें बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत